तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान ने किया दावा, मोदी ने नवाज शरीफ के कहने पर हैक कराया है इमरान खान का फोन और कराई है जासूसी। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की पत्नी का केस लड़ेंगी मायावती, बीएसपी ने किया यूपी में ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की जासूसी कराना, भाजपा को पड़ा भारी। आज हर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस पार्टी, राजभवनों के बाहर करेगी विरोध प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश भर में मनाया जा रहा है बकरा ईद का त्यौहार, जामा मस्जिद में पढ़ाई गई नमाज, मोदी ने दी मुबारकबाद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लाल किले पर 15 अगस्त से पहले हो सकता है आतंकी हमला, मोदी अमित शाह ने डर के मारे 15 अगस्त तक लाल किले को किया बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने रिपोर्ट में किया दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की हुई है मौत, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। पाकिस्तान ने किया दावा, मोदी ने कराई है इमरान खान के फोन की जासूसी। जहां दोस्तों आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जासूसी कराने को लेकर देश के बाद अब विदेशों से भी मोदी अमित शाह को झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश में विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने इसराइल के सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराई है, उनके फोन टैप कराए हैं, जिसके बाद देश में गंभीर बवाल इस मामले को लेकर मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि देश के बाद अब विदेशों से भी मोदी अमित शाह पर फोन हैक कराने की आरोप लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ के कहने पर प्रधानमंत्री इमरान खान का फोन हैक कराया है और प्रधानमंत्री इमरान खान की हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने जो है जासूसी कराई है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस ने इस मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश भर में मनाया जा रहा है बकरा ईद का त्यौहार, जामा मस्जिद में पढ़ाई गई नमाज, मोदी ने दी मुबारकबाद। जी दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद का त्यौहार आज देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बकरा ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। बकरा ईद की नमाज अदा करते समय कोरोना दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन मुसलमानों ने किया है। बकरा ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के बड़े नेताओं ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति ने हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में मुबारकबाद लोगों को दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बकरीद के मौके पर कहा कि ईद मुबारक है, ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं, ये दिन सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और अच्छी सेवा में समावेश की भावना को आगे बढ़ाएगा। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने भी शुभकामनाएं दी है। वहीं आपको बता दें कि देश में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और कई जो राज्य हैं बिहार में, यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई, जबकि अन्य जगहों पर ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बकरा ईद के मौके पर सरकारी बसों में मुस्लिम महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का भी वहाँ की सरकार ने ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमरीकी रिपोर्ट ने किया दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख हुई हैं मौतें, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत को कोरोना महामारी ने गंभीर रूप से प्रभावित किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर है और संक्रमितों की मौत के मामले में तीसरे स्थान पर है। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण से मौतों के मामले अमरीका में पहुंच गए हैं और अमरीका ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमरीका ने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में कोरोना महामारी से करीब 50 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीकी रिपोर्ट ने दावा किया है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय लोगों को मार काट के मौत की घाट उतारा गया था, उस समय भी 50 लाख लोगों की मौत नहीं हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस से भारत में 50 लाख लोगों की मौत हो गई, जबकि मोदी सरकार सभी आंकड़ों को छुपा रही है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही, जिसके बाद अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब दूसरे राज्य के पुरुष भी बन सकेंगे जम्मू कश्मीर के निवासी। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नियमों के मुताबिक अब दूसरे राज्य में रहने वाले लोग जिन्होंने कश्मीरी लड़की से शादी की है वो भी अब राज्य के स्थायी निवासी बन सकते हैं। सरकार ने उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए लागू था तब तक ऐसी दशा में सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चे और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था। अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने वहां पर हिंदू आबादी को बढ़ाने के लिए ये नया षड्यंत्र रचा है भाई मुसलमानों के साथ, और अब वहां पर स्थानीय निवासी का ऐलान कर दिया है। तो भाजपा किस तरह से षड्यंत्र जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रच रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाल किला पर हो सकता है आतंकी हमला, मोदी सरकार ने 15 अगस्त तक लाल किला को किया बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लाल किला आम नागरिकों के लिए बंद आज कर दिया गया है। 21 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किले में घूमने के लिए जाने वालों को अब प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली पुलिस ने ये ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ड्रोन से जो है हमला जो है लाल किले पर हो सकता है, और इस हमले को रोकने के लिए हमने लाल किले को 15 अगस्त तक बंद कर दिया है। यानी अब 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस तक लाल किले में कोई भी व्यक्ति घूमने नहीं जा पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेताओं की देश में जासूसी कराना, मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। आज हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राजभवनों के बाहर करेगी विरोध प्रदर्शन, खोलेगी भाजपा के खिलाफ मोर्चा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं की जासूसी कराकर उनके फोन टैप करने के मामले को लेकर आज हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पेंगासस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का टेलीफोन भी हैक किया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि 2019 के आम चुनाव में मोदी सरकार ने जासूसी कराई थी। रिपोर्ट से साफ है कि वह पेंगासन समेत एनएसओ के सभी सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार को बेचे गए हैं। इससे साफ है कि सरकार ने जासूसी कराई है, इसलिए हम भाजपा से और अमित शाह से इस्तीफा मांगते हैं और इन पर केस दर्ज करेंगे और फिर इन्हें जेल भेजेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का केस लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे पैरवी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ब्रह्मांड वोटरों पर डोरे डाल रही बहुजन समाज पार्टी अब बिकारू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। बसपा ने इसका ऐलान कर दिया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा खुशी दुबे की केस की रिपोर्ट में कोर्ट में पैरवी करेंगे। बता दें कि खुशी दुबे की शादी के 3 दिन बाद ही अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गया था। खुशी पर हत्या और आपराधिक साजिश सहित आईपीसी की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल खुशी बाराबंकी जिले किशोर केंद्र में बंद है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मायावती विकास दुबे के और विकास दुबे के सभी साथियों का केस उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल ये केस शुभेंदु अधिकारी के उस बयान को लेकर दर्ज हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास उन सभी कॉल्स की डिटेल्स है और रिकॉर्डिंग है जो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और पूर्वी मिदनापुर के एसपी अमरनाथ के बीच हुई थी। शुभेंदु के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया है, जिसके बाद अगर इसमें दोषी शुभेंदु अधिकारी पाए जाते हैं तो इन्हें कई महीने
महीने की जेल हो सकती है। तो बड़ी बुरी तरह से फंस गई है पश्चिम बंगाल में भाजपा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मथुरा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर किया कब्जा, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर सैकड़ों कार्यकर्ता और किसानों के साथ पहुंचे। उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के बूथ पर कब्जा कर लिया। इन्होंने पूरा टोल फ्री करवा दिया है। टोल प्लाजा पर किसानों के कब्जे की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गई और सीओ सहित एसडीएम सब वहां पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि मथुरा में किसानों ने इस टोल प्लाजा पर कब्जा करके वाहनों का आना जाना फ्री करवा दिया है और मांग किया कि अगर मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तो वह इसका घेराव करते रहेंगे और आने वाले समय में भी इस टोल प्लाजा को फिर से फ्री करवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार किसान अपना जो है वादा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे खगड़े, कहा वो नाकाम की जिम्मेदारी नहीं लेते, बलि का बकरा खोजते हैं। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई और कांग्रेस सहित विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से तो अपील की मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वो खुद अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां करते रहे। खगड़े ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में सरकार विफल रही और इस असफलता की जिम्मेदारी लेने के बजाय पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया और उन्हें उनके पद से हटा दिया। तो ये बड़े आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता खगड़े ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुनव्वर राणा पर यूपी के मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा भारतीयों के खिलाफ खड़े होने वालों को मारेंगे हम एनकाउंटर में। जहां दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने वलिया में मीडिया से बात करने के दौरान शायर मुनव्वर राणा को लेकर विवादित बयान दिया है। आनंद स्वरूप का कहना है कि जो भी भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे वह एनकाउंटर में मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा उन लोगों में से हैं जो 1947 के बंटवारे के बाद भारत में रुक गए थे और देश को अंदर से तोड़ने की साजिश रचने वालों में शामिल हैं। ऐसे में जो भी लोग भारत के खिलाफ खड़े होंगे वह एनकाउंटर में मारे जाएंगे, जिसके बाद जो है मुनव्वर राणा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो किस तरह से योगी के मंत्री खुलेआम चुनाव से पहले धमकियां दे रहे हैं।